उज्जैन जिले के मौलाना नागझिरी गांव में रहने वाले एक किसान ने देसी खाद से खेती कर सभी तरह की फसलों का उत्पादन किया है। उज्जैन वडनगर तहसील के मौलाना नागझिरी गांव में किसानों के खेतों में तमाम प्रकार के फलदार पौधे साथ ही सभी अनाज और फसलों को लहराते हुए देख सकते हैं। खेती करने वाले किसान का कहना है कि यहाँ पर आप जितनी भी फसलें और पौधे देख रहे हैं इनमें से कोई भी विदेशी दवाई और विदेशी खाद का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही हम करते हैं। हमारा मानना है कि किसानों को इसी पद्धति से गाय पालकर गाय के गोबर से खाद बनाकर खेती करना चाहिए जो बेहद फायदेमंद है। मैं स्वयं यह खेती करता हूँ, गाय के गोबर से खाद बनाकर साथ ही छाछ नीम की दवाई बनाकर छिड़काव करता हूँ और बेहतर खेती बेहतर उत्पादन देसी पद्धति से कर रहा हूँ। किसान का कहना है कि अगर हम सब शुद्ध अनार शुद्ध फल और शुद्ध दूध घी खाएंगे तो निरोग और स्वस्थ रहेंगे, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो देसी पद्धति से खेती करें। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।